माँ, क्या चाहती हो आप कि ये माँ जो आपके सामने खड़ी है बस जंग लड़ती रहे? मेरा कोई भी काम बिना किसी रुकावट के क्यों नहीं होता माँ? ऐसा क्यों है माँ, मेरे साथ ही इतना बुरा क्यों होता है? भगवान भी कठिन समय उन्हें ही देता है जिनसे भगवान को बहुत आशा होती है। ये कठिन समय जीवन में बाधा नहीं बल्कि अवसर लेकर आता है, और अवसर ही मनुष्य को उसके उद्देश्य की ओर ले जाता है। मैं दिन रात आपके आगे हाथ जोड़े रहती हूँ, फिर भी आप मेरी नहीं सुनती, और मेरे जैसे पता नहीं और कितने होंगे। ऐसा क्यों है माँ कि आप किसी की सुनती है और किसी की नहीं? मुझे अपने सभी भक्त बहुत प्रिय हैं और मैं उनकी इच्छाएं भी पूरी करना चाहती हूँ, परंतु सदैव ऐसा करना उचित नहीं होता। कभी कभी भक्त की प्रार्थना ना सुनकर भगवान उन्हें सोचने का अवसर देता है कि क्या यह उचित है या अनुचित, क्योंकि इच्छाएं अक्सर समस्याओं का द्वार खोल देती है। इसलिए कई बार अपने भक्तों की ना सुनना भी मेरे सुनने का एक तरीका होता है। कम से कम इस बार तो मेरी सुन लो माँ, रूपचंद के घर का रिश्ता ही मेरे घर की नैया पार लगाएगा। सविता, क्या हुआ सविता, हो गए दर्शन? कोई फायदा नहीं है माँ से प्रार्थना करने का, इन्होंने रिश्ता भी नहीं होने दिया और बेइज्जती अलग करवा दी। तो हो सकता है ये रिश्ता ना होना अच्छी बात हो। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम भी वही घिसा पिटा पुराना जुमला दे रही हो मुझे। अरे मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि हो सकता है इसमें तुम्हारे परिवार का ही कोई लाभ छुपा हो। तुम भी अजीब हो, जब सब कुछ अच्छा जा रहा था तो कहती थी गड़बड़ है, सब कुछ बुरा हो गया तो कह रही हो कि अच्छा है। मैं भी पता नहीं क्यों अपनी परेशानियां तुम्हें बताती हूँ, मैं तो तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ। तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो सविता। अच्छा, आज तक तुम्हारा घर तक नहीं देखा मैंने, यहाँ वहां घूमती मिल जाती हो कभी, कोई एक ठिकाना है तुम्हारा? सविता, एक ठिकाना कैसे होगा, मैं तो हर जगह हूं ना। अच्छा, क्या बात कह रही हो, तो ठीक है आज तुम बता ही दो कि तुम हो कौन। सच में तुम जानना चाहती हो? हाँ, मैं सचमुच जानना चाहती हूँ। भगवान, चलो तुम्हारे चुटकुले की वजह से मैं हंसी तो सही, तुम्हारे ज्ञान से ज्यादा तुम्हारे चुटकुले ज्यादा अच्छे हैं। माँ लक्ष्मी, जिसे मैं पूरी दुनिया में ढूंढ रही थी, ये मेरे साथ मेरे स्कूटर पे घूमती है। अरे, इसमें तुम्हें इतना आश्चर्य क्यों हो रहा है? मैं ही हूं जिसे तुम ढूंढ रही हो। अच्छा, तो तुम भगवान हो तो ठीक है, वो पेड़ है ना उस पे फल उगा के दिखाओ। वृक्ष में फल तो मैं नहीं उगा सकती। तो किस बात की भगवान हो तुम? इंसानों की यही समस्या है, उसे सब कुछ तुरंत चाहिए और दूसरों से चाहिए। सविता, सही समय आने पर वृक्ष में फल अवश्य आएंगे, पर वो भगवान नहीं करेगा, वृक्ष स्वयं कर लेगा। अब तुम अपना ये कृषि दर्शन मत चालू कर देना, जब तुम्हारा ये भगवान का भूत उतर जाए ना मुझे फोन कर लेना। माँ, भगवान। भगवान तो कण कण में विद्यमान है सविता, मनुष्य अपनी कल्पनाओं से फिर चाहे उसे कोई भी आकार दे दे,
परंतु उस आकार को साकार करने के लिए उसे स्वयं में भगवान को देखना होगा। भगवान का तो अर्थ ही है गुणों से युक्त। अगर इन्हीं गुणों को मनुष्य अपने अंदर उतार ले तो वह अपने जीवन को बदलने की अनंत संभावनाएं उत्पन्न कर लेता है।